नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कहते हैं जहां चाह वहां राह। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के गंज बसौदा के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की, जहां कक्षा 11 में पढ़ने वाले तीन छात्रों ने कमाल कर दिया है। जी हां, तीन छात्रों के द्वारा मिलकर के गूगल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसकी मदद से गूगल वॉइस की सहायता से किसी भी पल पूरे घर की लाइटों को ऑन और ऑफ किया जा रहा है। इन छात्रों के द्वारा एक नए प्रोजेक्ट का भी काम किया जा रहा है जिसके तहत ऐसे डस्टबिन का निर्माण किया जा रहा है जो सेंसर से पूर्ण होगा, और इस सेंसर की सहायता से हम यह भी जान सकेंगे कि डस्टबिन में कितना कचरा डाला जा चुका है, डस्टबिन कहाँ रखा गया है, और साथ ही साथ डस्टबिन का खुलना और बंद होना भी इसी सेंसर पर डिपेंड करेगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। इससे अपने घर की लाइट्स, फैंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो अपने मोबाइल के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके घर के पर्दे, पानी की टंकी, आपके सिक्योरिटी कैमराज, आपके घर के ताले, जितने भी आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिर्फ मोबाइल से ही नहीं। चरण नंबर ले फर्स्ट, चरण नंबर ले फर्स्ट, थर्ड नंबर ले फर्स्ट, कलर चेंज हो रहा है। जैसे बायोलॉजिकल हैंडीकैप होते हैं और जिनको एकदम फुल्ली बेड रेस्ट मिलता है, जो पैरालिसिस होते हैं और फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, उनको टोटली बेड रेस्ट मिलता है डॉक्टर्स के थ्रू। तो उनके लिए एक सपोर्टिव मेंबर चाहिए होता है घर में, लाइक उनको फैंस ऑन करना है, लाइट्स ऑन करना है, उनके लिए सपोर्टिव मेंबर चाहिए होता है। उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, घर में किसी ना किसी को उसके साथ रहना पड़ता है। बट इस ऑटोमेशन के थ्रू आप वो सिर्फ अपने बोल के भी कर सकता है और अपने पास मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकता है। इस घरों में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। आप अपने घर से बाहर निकल जाते हो, आपने गैस सिलेंडर बंद नहीं किया, आपकी लाइट्स ऑन रह गए, आपने मोटर ऑन छोड़ दी, तो आप वापस घर आकर उस ताला खोलने के बाद आप उसको बंद करोगे, सच्चा वहीं से उसको बंद कर दो, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी कम बचेंगे। और आप ये बच्चों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वही बाहर निकल निकल के आता है। हम लोग थोड़ी सी हेल्प करते हैं उसमें। ये बच्चों ने इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, करीब उनको 15 या 20 दिन का टाइम मिला था और उन्होंने जो आइडिया उनके दिमाग में आया शेयर किया कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। हमने बस थोड़ा सा बोला कि हाँ बेटा करो, आपको जो भी ज़रूरत लगती है हमें बताना, सब अवेलेबल कराएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट किया और उन्होंने इस हद तक एक ये प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया, और अभी उनके दिमाग में इससे भी बहुत ज़्यादा जो अपन मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी कल्पनाएं चल रही है। बस हमारा केवल इतना ही दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों को आगे निकालें ताकि वो आगे बढ़े और देश की हर तरह से सहयोग कर सके। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।